मेरा नाम अमित शर्मा है, मैं रंजीत नगर भरतपुर का रहने वाला हूँ। लॉकडाउन से पहले करीब अप्रॉक्स 8 से 10 महीने पहले मेरे को बैक पेन की प्रॉब्लम थी, उसी की वजह से मेरे राइट लेग में भी प्रॉब्लम होने लग गई थी। मेरे बड़े भाई मेडिकल डिपार्टमेंट में ही हैं, उनसे मैंने कंसल्ट करा था तो उन्होंने कहा था आप मेरे आ जाइए हॉस्पिटल, मैं MRI कर देता हूँ, शायद कुछ प्रॉब्लम होगी। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरी MRI करी। MRI करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि आपके पीछे बैक डिस्क L4-L5 में आपको परेशानी हो रही है, इसकी वजह से ही वो राइट लेग में आपको डिस्टर्ब हो रहा है, बैक पेन भी हो रहा है और राइट लेग में पेन भी हो रहा था। जब उन्होंने मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करवाया तो उन्होंने मुझसे कहा सर इसका तो ऑपरेशन हुआ। तो मेरे जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी वरीड हो गए कि ऑपरेशन होने के बाद अभी मेरी कोई एज भी ज़्यादा नहीं है, अप्रोक्स 31-32 है। तो उस टाइम तो मैं वहाँ से आ गया, कुछ मेरे मिलने वाले थे यहाँ भरतपुर में ही, उनसे मैंने कंसल्ट करा, उन्होंने मेरे को गौरी फिजियोथेरेपी के बारे में बताया। मैंने कहा एक बार कंसल्ट करने में कोई बुराई नहीं है, जब मैं वहाँ जा सकता हूँ तो यहाँ भी जा सकता हूँ। मैं सर के पास आया, मैंने अपनी MRI वगैरह सब सर को दिखाई, उन्होंने देखने के बाद सेम प्रॉब्लम उन्होंने बताई मेरे को कि आपको ये परेशानी है। मैंने सर से ये पूछा सर मेरे को तो जहाँ भी मैंने दिखाया मेरे को सब ने ऑपरेशन का ही सही कराया, तो सर ने सर के लिए सख्त मना कर दिया कि इसका कोई ऑपरेशन कोई फाइनल एंड नहीं है जिससे आप सही हो जाए, यदि मान लो ऑपरेशन कोई कराता भी है तो आगे उसके रिजल्ट नेगेटिव ही मिलेंगे, पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। सर ने मेरे को ट्रीटमेंट के बारे में बताया, 1 मंथ एडवांस थेरेपी के लिए कहा। मैंने कहा सर ठीक है बताता हूँ, मैंने एक दिन फिर और सोचने के लिए समय लिया। नेक्स्ट जैसे मैं सर के पास आया, 1 मंथ थेरेपी का मैंने पैकेज लिया, उसमें जो नॉर्मल थेरेपी होती है और जो एडवांस थेरेपी होती है दोनों इंक्लूड है, उन्होंने करा। जैसे ही थर्ड डे एडवांस 3 दिन जब पूरे हुए मेरे, उसके बाद मेरे को कुछ रिलीफ होने लगा। मेरा वर्क भी कुछ ऐसा है कि यहाँ मुझे सिटिंग पोजीशन अप्रोक्स 4 से 5 घंटे एक ही जगह सिटिंग रहना पड़ता है, कोई बात नहीं। 3 दिन के बाद रेल थोड़े को मेरे को बेटर दिखा, ऐसे ही मेरे चलता रहा। अप्रोक्स 15 दिन हो गए, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस आया लेकिन सर ने वो चीज़ मेरी कंटिन्यू रखवाई, एक्सरसाइज करवाई घर के लिए, मेरे को एक्सरसाइज बता दी क्या करनी है कैसे करनी है, जिससे मेरे को रिलीफ रहा। बीच बीच में जब लॉकडाउन में थोड़ा सा ढील मिलती रही, सर ने मेरे को थेरेपी के लिए बुलाया, एक्सरसाइज बताई, कुछ एडवांस कुछ एक्सरसाइज और बताई, जिससे मुझे रिलीफ रहा। करीब मेरा 1 मंथ का पैकेज पूरा होने के बाद, जिसमें से मेरी अभी एक थेरेपी और रह गई थी जो मैंने इसलिए नहीं ली, शायद मैं इतना मस्ट बेटर फील कर रहा हूँ कि मुझे अब लास्ट थेरेपी की जरूरत ही नहीं पड़ रही। सर ने काफ़ी मेरे को कहा भी था कि लास्ट विजिट और कर लीजिए, मैं सर नहीं मैं बेस्ट हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरह की, ना बैक पेन में प्रॉब्लम है ना मुझे चलने में प्रॉब्लम है। और जब भी कभी कोई स्टाफ के बारे में या स्टाफ कोई मेरे को मिलता है तो उनसे यही कहता हूँ मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं यहाँ के स्टाफ के बारे में कहना चाहूँ तो बहुत बढ़िया स्टाफ है, सभी तरह से कोऑपरेट करते हैं, जो भी परेशानी होती है उसको सॉल्व करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गौरी फिजियोथेरेपी पे आप आइए, और आपको मैं ये नहीं कह रहा कि बैक पेन ही हो, पूरे शरीर में किसी भी बारे में कोई प्रॉब्लम, एक बार सही जरूर करिए, आपकी मर्जी है इलाज कराना ना कराना, लेकिन रेंट बेस्ट मिलेगा। ओके आइए अमित जी, एक बार आपकी वॉक चेक करेंगे, आइए।